हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है राजमा बनाना। तो आइए बनाते हैं बिल्कुल अलग स्टाइल में राजमा। राजमा बनाने के लिए हमने ये एक गिलास राजमा लिए हैं। हम इन्हें बिना भिगोए ही बनाएंगे। इस राजमा को मैंने एक बाउल के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये मैंने राजमा को अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसे एक कुकर में डाल दूँगी। ये मैंने कुकर लिया है। अब राजमा को कुकर के अंदर डाल देती हूँ और अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। ये मैंने एक गिलास पानी डाल दिया है। और ये मैंने दो गिलास पानी डाल दिया है। और ये मैंने इसमें कुल पानी 3 गिलास का इस्तेमाल किया है। 2 मोटी इलायची हैं, इसको मैंने इसमें कूट लिया है और इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और 1 चम्मच के आसपास मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ और इसे मैं उबलने दूंगी। उसके बाद हम कुकर को बंद करेंगे। पहले पानी में बॉईल आने देते हैं। और ये हमारा पानी राजमा का उबल चुका है। अब मैं इसमें ये 1 अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस किया है, ये डाल दूंगी। और एक ट्रिक के साथ मैं इसमें आपको बताती हूँ। इसमें मैं बर्फ डालूंगी जिससे कि राजमा हमारे 4 से 5 सीटी में ही पककर तैयार हो जाएंगे। इसमें मैंने 1 आधी कटोरी बर्फ डाल दी है। इसे राजमा बिल्कुल अच्छी से तैयार से पककर तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं कुकर को बंद कर देती हूँ। ये मैंने कुकर को बंद कर दिया है और 4 से 5 विशल आने दूंगी। आप भी कहोगे कि ये कैसी ट्रिक है बर्फ डालकर। आप भी इसे जरूर ट्राई करना बर्फ डालकर बनाने के लिए। प्याज हमारे भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल देती हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और साथ ही मैं इसमें ये मसाले भी ऐड कर देती हूँ। हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर को भी ऐड कर दूंगी मैं इसमें। और इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मसाले को पकने दूंगी मैं और थोड़ा सा मैं इसमें ये पानी डाल दूंगी। मसाला हमारा भून चुका है और इसमें ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसके अंदर राजमा डाल दूंगी। और इसे मिक्स करूंगी। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। लगभग 1/2 गिलास के आसपास मैंने इसमें पानी और डाल दिया है। और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखो हमारी क्रीमी क्रीमी से राजमा बनकर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अभी इन्हें मैं थोड़ा सा पकने दूंगी और इसके अंदर मैं ये 1/4 चम्मच नमक और डाल दूंगी। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने राजमा उबालते हुए नमक डाल दिया था। और इसे मैं ढक के 5 से 10 मिनट तक के लिए पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं राजमा। और ये हमारे राजमा कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल क्रीमी क्रीमी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं। इसमें इसलिए हमने बर्फ डाली है जिससे ये राजमा क्रीमी क्रीमी बनकर
तैयार हो चुके हैं। बिना भिगोए हमने राजमा बनाए हैं ये। अब मैं इन्हें एक बाउल में सर्व करूंगी। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसके अंदर मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। और अब मैं इसे एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। और ये हमारे राजमा बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने इन्हें एक बाउल में सर्व भी कर दिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।